सबसे पहले अनुलोम विलोम हस्त्रिका, दोनों नॉस्ट्रिल को, दोनों नासिका के छिद्रों को क्लीन करने के लिए, जिससे कोई भी हम आगे ब्रीदिंग करेंगे उसमें हमारी पूरी सांस फेफड़ों में, लंग्स में जाए, पेट में जाए और पूरी तरीके से इस प्राणायाम का फ़ायदा मिल सके। तो पहला है अनुलोम विलोम भस्त्रिका, इसमें लेफ्ट साइड से लंबा सांस खींचेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से खींचेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, ऐसा। फिर लंबा राइट से सांस खींच के रोकेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। ये एक बार होगा, 20 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, 20 बार, 30 बार, जितनी आपकी स्टेमिना हो उतना आप कर सकते हैं। इसके बाद अच्छा होगा कपालभाति करना। कपालभाति से भी हमारी नाड़ियाँ खुलती हैं, हमारे नासिका खुलती हैं। तो इसमें ऐसे नॉर्मल बैठें, कमर सीधा करके और स्ट्रोक लगाएं, जिससे स्ट्रोक आपका नीचे तक लगे, नाभि के नीचे, ऐसा। फिर लंबी सांस खींचेंगे, होल्ड करेंगे और स्लोली स्लोली ब्रीथ आउट करेंगे। किसी किसी को यूरिन की प्रॉब्लम होती है ना, हमारे नसें, नर्व्स हमारे नाभि के नीचे की वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से यूरिन को रोकने में या और भी तरीके की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बिठाएंगे कि एनस को पुल करेंगे, मूलबंध लगाएंगे और हाथ को यहाँ रखेंगे और एनस को खींच के होल्ड करके और ऐसे उठेंगे और ऐसे मारेंगे। इससे हमारी मूलाधार चक्र पे भी इफ़ेक्ट आता है, जिससे कि एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है और वहाँ की जितनी नस, नाड़ियाँ, ऑर्गेंस हैं उसमें मजबूती आती है, ताकत आती है। तो इसको कपालभाति के बाद ये और फिर कपालभाति, फिर कपालभाति करेंगे। फिर उसके बाद से फिर इधर एक सपोर्ट लेके और उठा, एनस को खींचा, फिर कपालभाति करेंगे तो और अच्छा होगा। इसके बाद से भस्त्रिका, दोनों नाक से सांस खींचने हैं, रोकें और बाहर निकालने हैं। इससे पूरी बॉडी की प्यूरिफिकेशन, हमारे चक्रोज के लिए, हमारे ग्लैंड्स के लिए, हमारा डीट पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है, बॉडी को ऑक्सीडाइज करेगा और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको क्लीन भी करता है। तो इसको लंबा सांस खींचें और बाहर निकालें, ऐसा। लंबा डीप ब्रीथ, होल्ड, चिन डाउन, स्लोली ब्रीथ आउट, चिन अप एंड स्लोली ब्रीथ आउट। इससे हमारा वेट लॉस भी होगा, क्योंकि हमारी जितनी ब्लड की प्यूरिफिकेशन होगी, शरीर में जितनी गर्मी आएगी, हमारा जितना मेट अग्नि तेज होगा, हमारा जठराग्नि मेटाबॉलिज्म, उतने हमारे खाना पचेंगे भी और हमारा वेट लॉस में भी बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद से फिर प्राण आकर्षक लंग्स के लिए, जिसको अस्थमा हो उसको और जिसको ना भी हो उसको,
जिसको ब्रेथलेस हो, यहाँ दोनों हाथ गोद में रखेंगे, लंबी सांस खींचेंगे, होल्ड करेंगे और स्लोली स्लोली ब्रीद आउट। ठीक है, फिर वापस अनुलोम विलोम भस्त्रिका, होल्ड इट एंड स्लोली ब्रीद आउट। इसके बाद फिर अनुलोम विलोम, इसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। ये एक बार हुआ, 10 बार, 15 बार, 20 बार, कुंभक ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, रोकने की और बाहर रोकने की, दोनों का अभ्यास। लेकिन एक ध्यान में रखेंगे बात, इतना ना रोकें कि एक ही बार सांस बाहर आ जाए, इतना ही रोकें जितना कि आपके सांस आपके कंट्रोल में रहे, उतना ही रोकेंगे। उसके बाद से फिर आप ध्यान भी कर सकते हैं, ओम की ध्वनि कर सकते हैं, लंबा सांस खींचना, और शास्त्रों में वेद में कहा है कि गायत्री मंत्र के साथ प्राणायाम करना चाहिए और ये फील करना चाहिए कि हमारा मूलाधार से लेकर और आज्ञा चक्र तक हमारी सांस हर एक चक्रों को टच भी करती है और वहाँ से वहाँ तक फील करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। ठीक है, तो मेरा ऐसा विश्वास है इतने सालों का अनुभव कि आप लोग इस तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो पूर्ण रूप से इंटरनली आप स्वस्थ रहेंगे और स्पिरिचुअली भी इसकी बहुत सारे फायदाएँ हैं, बेनिफिट्स हैं। इससे हमारा कर्म, जो खराब कर्म होते हैं जन्म जन्मांतर के, बर्थ कितने हमारे हुए हैं, वो हमारे कर्म भी इससे बर्न होते हैं, जल जाते हैं, क्योंकि ये अग्नि हमारे अंदर पैदा करती है। उस अग्नि में हमारे शरीर की जितनी भी खराबियां हैं बर्न हो जाती हैं, जल जाती हैं। मेरा विश्वास है कि आप लोग करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। ये हिमालय देखिए कैसा है ना।